देवरिया जिले के पटना थाना के अंतर्गत अज्ञात चोरों द्वारा एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला पटना थाना क्षेत्र का है, जहां आदर्श चौक पर स्थित लाल कुंवर ज्वेलर्स एंड मेटलाइज दुकान में 19 फरवरी की मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर अपने साथ लगभग 8 से 10 किलो चांदी और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी साथ ले गए हैं। वही चोरी हुए सामग्री की अनुमति राशि 4.5 लाख बताई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटना थाने में दर्ज की गई है। वही रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। कोरिया से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। पटना आदर्श चौक की घटना है, जहां 18-19 के दरमियानी रात में अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का शटर तोड़कर ज्वेलरी दुकान में चोरी की है, जिसमें लगभग 8 से 10 किलो चांदी का सामान है और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जिसकी अनुमानित कीमत अभी 4.5 लाख रुपये आकी गई है।